हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी भक्त हमारे ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, जो हमारी वीडियो है काफ़ी दिनों बाद भी आ रही है, और देखिए इस वजह से हमने ये वीडियो बनानी पड़ रही है क्योंकि जो हमारी कांवड़ यात्रा है, फागुन मास की कांवड़ यात्रा है, वो काफ़ी नज़दीक आ रही है। जो फागुन मास में जो कांवड़ यात्रा होती है, और इस बार क्या हुआ है, जो शिवरात्रि पड़ रही है काफ़ी लेट पड़ी है। तो इस वजह से जो जो शिवरात्रि पहले पड़ती थी, जो फागुन मास की, जो फागुन के महीने में पड़ती थी, अब जो फागुन के अगले महीने यानी कि मार्च के महीने में पड़ रही है, जो कि 8 तारीख को वो जो शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि, भोला भी कहा जाता है, जो कि यूपी में ज़्यादातर भोला भी कहते हैं। तो इस शिवरात्रि को जो कि काफ़ी सारे कांवड़िए यानी कि कांवड़ लेने के लिए, जल लेने के लिए हरिद्वार पहुंचेंगे। और देखिए, इन फागुन मास की कांवड़ यात्रा में ज़्यादातर आपको कंधे वाली कांवड़ ही देखने को मिलेंगी, और जो झूला कांवड़ और कंधे वाली कांवड़ सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगी। डीजे कांवड़ भी आएंगी और होते हैं, वो आपको सावन में ही देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने आपको सावन मास में जो कि सभी प्रकार के डीजे दिखाए, कंपटीशन भी दिखाए, जैसे धड़कन डीजे, मोनू डीजे, अमर डीजे और कसाना डीजे, इनका काफ़ी सारा नाम रहा है, जो कि हर साल कांवड़ लेने के लिए पहुंचते हैं और काफ़ी सारे कंपटीशन भी खेले जाते हैं, जो कि कंपटीशन की वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी डल रही हैं, उन्हें जाकर देख सकते हैं। तो एक और चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आप हरिद्वार कांवड़ लेने के लिए जाना चाहते हैं तो आप कांवड़ कहाँ से खरीदेंगे। कांवड़ आप नॉर्मली हर की पैड़ी से अपर मार्केट के पास से खरीद सकते हैं, जो कि 500 मीटर की दूरी पर है। अपर मार्केट पे आपको सभी प्रकार की सामान्य कांवड़ आपको आराम से मिल जाएगी, वहाँ पर उचित रेट में आपको सामान मिल जाएगा, जो कि ऑलरेडी हमारे चैनल पर वीडियो डल रखी है, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं रेट क्या है, क्या क्या रेट रहते हैं, वो सारी डिटेल आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगी। दोस्तों, ज़्यादातर जो कांवड़ी होती हैं फागुन मास में, जो ज़्यादातर यार फागुन मास की कांवड़ी होती है सर्दियों में होती है, तो इस बार क्या हुआ, गर्मी बढ़ जाएगी मार्च में, तो कांवड़िए काफ़ी सारे पहुँचेंगे हरिद्वार, और जो कांवड़ लेने का मजा है वो सावन मास में आता है। तो हम सावन मास में हर साल पहुँचते हैं, तो अभी हम शायद मुश्किल जा पाएंगे, क्योंकि तो जो भी कांवड़ लेने के लिए हरिद्वार आना चाहता है वो आ सकता है। और जो शिवरात्रि पड़ेगी वो 8 मार्च की पड़ेगी, और कांवड़ लेने के लिए ज़रूर आएँ। और बहुत ही आपका प्यार रहा है, आपके सपोर्ट की वजह से हम बहुत आगे तक गए, और ऐसे ही आपको कांवड़ की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो कांवड़ यात्रा की अपडेट है वो इस चैनल के माध्यम